जोशी जी, आपने ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट की बात की, और जब हम दुनिया में देखते हैं सबसे प्रदूषित शहर, तो उनमें दिल्ली का भी सबसे ऊपर के जो प्रदूषित शहर है उनमें नाम होता है। दिल्ली में अगर हम स्थिति देखें तो हम देखते हैं कि जो हमारे जंगल हैं वो कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं, रिज एरियाज हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, उनके नाम पर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बार बार ये दिल्ली में जो लोग हैं जो पर्यावरण को लेके थोड़े जागरूक हैं, वो ये बात उठाते हैं कि इन पेड़ों को ना काटिए, मुहिम चलाते हैं, रात हम देखते हैं पेड़ भी कट जाते हैं। लेकिन उन पेड़ों को जिनको आपने काट दिया, उनको बड़ा होने में 15 साल या 10 साल कितना लग जाता है। एक आप छोटा सा पेड़ लगा के उसके बात चले जाइए, वो ग्रो करेगा नहीं करेगा, उसको संभालने वाला कोई है नहीं है, वो उसका रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता। हवा हमारी फिर वैसी ही रहेगी। देखिए, देश की राजधानी है दिल्ली और पूरा पार्लियामेंट वहां बैठता है। दिल्ली में होने वाली कोई भी घटना प्रकृति और पर्यावरण के दृष्टिकोण से अगर कोई होती है तो पार्लियामेंट को भी और दिल्ली सरकार को भी ये तो सोचना ही चाहिए कि पूरे देश को क्या संदेश दे रहे हैं। दिल्ली के अगर हालातों को देखें तो जिस तरह से गाड़ियों की आवाजाही बड़े लंबी चौड़ी लगी है और वहां पे जिस तरह से वन विस्तारण की बात की जा रही है, प्रजाति पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है क्योंकि खेजड़ी राजस्थानी पेड़ वो दिल्ली के चारों तरफ ज्यादा दिखाई देता है और उसका कारण है कि दिल्ली की पूरी धरती सूखे के किसी रूप में चपेट में है, तभी वो बेहतर दर्जे के चौड़ी पत्ती के वनों को खो चुकी है। और अभी अगर पेड़ के नाम पर कुछ प्रकट होगा तो वो खेजरी जैसे पेड़ होंगे या जिनकी झाड़ियां होंगी ऐसे ही पेड़, और ऐसे पेड़ों का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है। देखिए, हमें कुछ चीजें कदम उठाने चाहिए। हमारे कदमों में सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी आवाजाही पर किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में दुनिया की सबसे ज्यादा संख्या की गाड़ियां घूमती फिरती हैं, बाहर से भी आएंगी भीतर से भी आएंगी। ऐसे में आप कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, पहला सवाल। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जो विषय हैं जिन पर बड़ी चर्चा करनी चाहिए, ऑड इवन नंबर का भी जब प्रयोग किया गया था लोगों ने बहुत तरह की उस पे अपने आलोचनाएं और कमेंट दिए, पर मेरा मानना है कोई भी कोशिश हमेशा खराब नहीं होती, उसके ऊपर विश्वास करते हुए ले कुछ समय के लिए उस पर धैर्य रखते हुए उसके परिणाम देखने चाहिए। लेकिन मेरा अब भी मानना है कि दिल्ली को बहुत गंभीरता से सोचना होगा और सोचने का रास्ता सबसे बेहतर तरीका यह है कि वे प्रकृति के विज्ञान को समझते हुए अपनी रणनीति बनाएंगे तो शायद समझ में आएगा। और अगर हम इस रूप में देखने की कोशिश करेंगे, जंगल लगा देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे, ये देखिए, अगर आप वृक्ष नहीं लगा सकते हैं तो जो वर्षा का पानी जो दिल्ली में बाढ़ बनता है या दिल्ली सूखी रहती है उसके पानी रोकने के तमाम रास्ते निकालें, क्योंकि जितना पानी रोकेंगे स्वतः प्रकृति ऐसे पेड़ों को जन्म दे देगी। डराइए ना, जगह जगह छोटे छोटे तालाब बनाए जाए, जहां जहां दिल्ली में जगह है चारों तरफ उसको भरें। दिल्ली के पानी का लेवल ही कितना नीचे जा चुका है ये आप परिचित हैं सब लोग, तो वो पानी भी सिंचित होगा, नमी बनी रहेगी, अच्छे पेड़ स्वयं स्वयं आएंगे। इस दुनिया में, इस धरती में पेड़ मनुष्य ने नहीं लगाए, प्रकृति ने लगाए हैं। तो प्रकृति के रास्ते अगर तैयार करोगे और पानी पहले आया पेड़ बाद में, तो पानी के को प्राथमिकता रखते हुए हमें पानी देश भर में रोकना चाहिए किसी भी रूप में कैसे भी, और हर व्यक्ति का ये दायित्व तो उसका हिस्सा होना चाहिए, जो पानी पिए वो तो पानी जोड़े भी। जब तक इस तरह के दायित्व तो नहीं होंगे, और मेरा तो ठोस मानना है सरकार जब लॉकडाउन करके सब लोगों को घर में बैठा सकती है तो अब प्रकृति भी एक तरह की प्रकृति के हालात भी आपातकालीन स्थिति से कम नहीं है। सरकार को रास्ते तैयार करने चाहिए कि किस
तरह से इस प्रयोग को जो सरकार 40 दिन में देख रही है, लोगों को जोड़ सकती है, थाम सकती है, समझा सकती है, ऐसे ही एक राष्ट्रीय आंदोलन में बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के होने चाहिए और जिसमें हर लोगों को भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि वो घर में बैठ के नहीं होगा, उन्हें सड़कों में अवश्य उतरना होगा और अपने हिस्से का प्रकृति और पर्यावरण को बचाना होगा, क्योंकि वे पानी पीते हैं, वे सांस लेते हैं, वो खाना खाते हैं, वो सब कुछ करते हैं, तो उनके योगदान भी होना चाहिए ताकि वे एक आने वाले समय, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचा के रखें।